हाँ जी भाई साहब, बीबिंग से बोल रहे हैं। हाँ, 10वें माले से 1003। हमारे फ्लैट में लाइट नहीं आ रही है। हाँ, लाइट चली गई है सर। जी हम बीबिंग से बोल रहे हैं, 10th फ्लोर से फ्लैट नंबर। सॉरी, रोलिंग एक बार। हाँ जी हम बी विंग से बोल रहे हैं, 1003 से 10वें माले से। हमारे फ्लैट में लाइट नहीं है। अरे भाई साहब, मुझे कैसे पता था? अरे शायद फ्यूज उड़ा होगा, किसी को भेजिए ना। अरे बिना लाइट के कैसे रहेंगे पूरी रात? ठीक है, ओके, कुछ नहीं कह रहा, सब जा चुके हैं, अभी कोई नहीं आ रहा। मोमबत्ती एक टॉन्ग टिंग टॉन्ग। हम तो एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, प्रशांत आ जाएगा। लाइट चली जाती है और हम लोग कैंडल वैंडल ढूंढ रहे हैं, बट नहीं मिलता हमको कुछ, क्योंकि नया घर है, पता नहीं सब कुछ कहाँ रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं है। तो जब फिर उसने में प्रशांत आ जाता है और फिर आगे भी हमने शूट नहीं किया। अच्छा, कहते हैं जब भी सरस और कुमुद का आपस में कुछ मिलने जुलने वाला, मतलब मिलने जुलने वाला सीन होने नहीं, ऐसे कुछ झगड़ा नहीं हुआ या ऐसे कुछ मिलना जुलना नहीं हो रहा है, हम घर पे ही है बस। हम बड़ी माँ को वो फोन ही करने जा रहा है, उतने में लाइट चली जाती है। नहीं, लेकिन आजकल कुमुद बहुत ज़्यादा नाराज होने लग गई है ना सरस से, मतलब ना टाइम देना ना। हाँ, तो उस चीज में मतलब जब भी वो दोनों का वक्त, मतलब ऊपर वाला वक्त देता है कि चलो लाइट गुल कर दी है, वापस से मिलो, बात करो, प्यार वाली होता तो कोई टपक पड़ता है जी। क्या कहेंगे इस बारे में? जो आपने कहा वही कहूंगी मैं, और क्या कहूंगी इसमें। अच्छा, कुछ ट्विस्ट हमने सुना है, मतलब बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला, कुछ हॉरर? हाँ, ये मैंने भी सुना है कि थोड़ा सा कुछ थ्रिलर सस्पेंस टाइप होने वाला है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो ट्विस्ट। दैट्स ऑल आई कैन से, that's all I can say really, because I don't really know for sure if he going that way or not. क्या कहेंगे जब ऊपर वाला मौका देता है कि सरस कुमुद थोड़ा सा वक्त एक साथ गुजारने, तब कोई ना कोई टपक पड़ता है। ये तो नया ट्रैक है, अभी तो भाई साहब आए हैं जो हमने अभी तक देखा है, कुमुद को किसी तरीके से पसंद करते हैं। वो क्यों करते हैं अभी तक रीज़न खुला नहीं है, वो राज खुला नहीं है, वो चार डॉट्स का कुछ राज है जो कुमुद के यहाँ पे, तो उससे कोई रिलेशन नहीं। तो कुछ भी होता है तो ये हमारे घर में झांकते रहते हैं। घर इन्हीं का है, किराए पे दिया है हमें, मगर इनको सब पता है घर की खिड़कियाँ कहाँ हैं, घर की बालकनी कहाँ है, घर का टेरेस कहाँ है, किचन कहाँ है, सब पता है, वहाँ से देखते रहते हैं। तो अब देखते हैं अब अगला मोड़ क्या आता है। क्या कहेंगे, मतलब हम तो एक कमरे में बंद हो और बिजली चली जाए और फिर कोई पड़ोसी आ जाए, तो वही हो गया कि हम तुम कमरे में बंद थे, बिजली चली गई, मौका अच्छा था, मगर बीच में पड़ोसी आ गया और पड़ोसी अपने घर ले गया उठा के, और हम चले भी जाते हैं। कमाल है ना, हम लोग भी कहीं भी चले जाते हैं। हमको मतलब क्या कहेंगे, मुंबई आते ही कहते हैं सरस को मुझसे प्यार बढ़ना चाहिए, यहाँ तो तकरार ही तकरार होती चली जा रही है। ये अलग ही ट्रैक चला गया। तो अभी तो बेसिकली प्यार मोहब्बत में झगड़े, अब झगड़े के साथ दिखाएं जो बेसिकली हस्बैंड वाइफ में होते हैं शादी के बाद, तो वो इन्होंने दिखाया है, और अब आगे क्या होता है वो तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। तो सस्पेंस कुछ आ रहा है आपको? मतलब हाँ, हमने सुना है कि कोई भूतियाई भूतिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल मैम, सरस्वती चंद्र, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मुझे पता नहीं क्या कुछ क्रैक का कुछ है, मैंने देखा था क्रैक को लेके कुछ ड्रामा खेलने वाले हैं या कुछ होने वाला है। अब दीवार के पीछे क्या या दीवार के अंदर कौन है ये पता नहीं, अब कोई है या नहीं है, अब वो तो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।